ये है मेजर स्मिथ का कपोला। ये कुतुब मीनार का छठा फ्लोर हुआ करता था। ये उसने कुतुब मीनार के ऊपर इसे लगवाया था। ये अलाई मीनार है और ये बिल्कुल कुतुब मीनार के बिल्कुल ऑपोजिट में है, बिल्कुल सामने। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तुतमिश का कब्र है, ये आप देख सकते हैं। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके सन इन लॉ थे, ये उनका कब्र है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुतुब मीनार आया हूँ। आज आपको मैं कुतुब मीनार दिखाता हूँ। और ये पीछे हमारे टिकट काउंटर है, यहाँ पे से अभी हमने टिकट लिया है। टिकट तो नहीं, यहाँ पे टोकन मिलता है, ये 40 रुपये का एक। यहाँ पे 40 रुपीज़ आपको पे करना होगा और आपको इस तरह का टोकन मिलेगा। आइए आप तो आगे दिखाते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, ये टिकट काउंटर से हम लोग निकल करके बाहर आए अभी, और ये सामने ये एंट्रेंस है, यहाँ से आपको एंट्री करना है। ये एंट्री गेट है, ये सामने हमारे देख सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक का है, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा अभी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी अब कुतुब मीनार के कैंपस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया हूँ, और यह मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार है। अभी मैं अंदर आपको दिखाता हूँ उसका पूरा डिटेल, और आपको डिटेल बताएंगे आपके नॉलेज के लिए। आइए अंदर आपको दिखाते हैं किस तरह से सारा अभी आपको घुमाते हैं। अंदर बने रहिए हमारे साथ फ्रेंड्स। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी चेक के बाद, तो ये आपको राइट हैंड साइड पे मुगल सराय दिखेगा। ये सारे रूम्स बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारे रूम्स हैं गेस्ट को ठहराने के लिए होता था। ये मुगल के टाइम में ये शाहजहां ने बनवाया था, ये काफ़ी बाद में बना था, ये गेस्ट को ठहराने के लिए, तो इसे मुगल सराय कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। और जैसे ही ये हम क्रॉस करेंगे, ये हम लोग जैसे अंदर आए, तो राइट हैंड साइड पे आपको ये मस्जिद दिखेगी। इस मस्जिद का नाम है मुगल मॉस्क, ये मुगल मस्जिद है, ये भी उसी टाइम का बनाया हुआ है, ये शायद शाहजहां ने ही बनवाया था। और अभी आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं कुतुब मीनार के अलावा, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अलाई मीनार है, ये इसे अलाई मीनार कहते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनाना स्टार्ट करा था, उसने बोला था कि मैं कुतुब मीनार के जैसा ही बिल्कुल एक मीनार में बनाऊंगा यहाँ पर, बट वो उसे बना नहीं पाया और वो ये अधूरा ही रह गया, ये बनने का आया। ये अलाई मीनार है और ये बिल्कुल कुतुब मीनार के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं ये अलाई मीनार, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 में बनाया गया था। और ये अलाई मीनार ये कुतुब मीनार के जस्ट ऑपोजिट में आपको दिखेगा, कि जस्ट ऑपोजिट में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे बनाना स्टार्ट करा था। वो चाहता था कि कुतुब मीनार से भी ज़्यादा बड़ा वो एक मीनार बनाए, जिससे कि उसका ज़्यादा नाम हो, बट ऐसा हो नहीं पाया, या अधूरा ही रह गया। ये एक फ्लोर बन करके ही रह गया, उसका डेथ हो गया था, इस वजह से ये कंप्लीट हो नहीं पाया, और आगे उसका कोई बेटा या कोई सक्सेसर था नहीं, इस वजह से ये कंप्लीट हो नहीं पाया। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, इधर कुतुब मीनार है और इसके जस्ट ऑपोजिट ये अलाई मीनार है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इसके नज़दीक जाकर आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। ये आप सामने देख सकते हैं, ये अलाई मीनार है, ये मैं अभी आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, और यहाँ पे इसका डिटेल्स लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था, ये आप देख सकते हैं 1311 में ये उसने बनाया था। ये अब इसका क्लोजअप व्यू देख सकते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर से बनाया गया था फ्रेंड्स। आप जैसे ही अलाई मीनार से आगे बढ़ेंगे, तो आपको एक यहाँ पे ये कुआं दिखेगा, बट ये अब बंद है, ये उस टाइम का कुआं था, ये आप देखेंगे ये जाली से इसको बंद कर दिया गया है।
ये भी 800 साल पुराना ये कुआं होगा जब ये कुतुब मीनार बना था पूरा। ये अलाई मीनार है उधर, ये कुतुब मीनार है इधर, और ये यहाँ पे कुआं है, और ये आगे इल्तुतमिश का मकबरा है। ये हम लोग वहाँ पे जाएंगे और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स ये हमारी पीछे जो है ये इल्तुतमिश का कब्र है, और ये मैं अभी आपको अंदर आकर जाकर दिखाता हूँ। इल्तुतमिश का कब्र है, आप देख सकते हैं। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके सन इन लॉ थे। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले मुस्लिम किंग बने इंडिया में, और उनके मर जाने के बाद, उनके डेथ के बाद, इल्तुतमिश दूसरे मुस्लिम किंग बने इंडिया के। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर छत भी हुआ करता था, एक गुंबद हुआ करता था, बट वो अब टूट चुका है, अब इसमें छत नहीं है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, और इसके दीवार में चारों तरफ डिज़ाइंस आप देख सकते हैं, और इसमें कुरान शरीफ की आयतें भी लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सफ़ेद मार्बल और लाल पत्थर से बनाया गया है ये पूरा इनका जो मकबरा का जो स्ट्रक्चर है, ये आप देखेंगे, और ये भी पूरा वाइट मार्बल से बनाया गया है इनका मकबरा, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सामने आप देखेंगे ये खिलजी मदरसा है, ये 700 साल पहले बनाया गया था खिलजी के द्वारा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे उस टाइम में बच्चे आकर यहाँ पे पढ़ाई करते थे, ये आप देख सकते हैं। ये खिलजी का मदरसा, ये देख सकते हैं, ये भी कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है ये मदरसा, ये खिलजी द्वारा बनाया गया था जब वो रूल कर रहा था, तो उसने ये बनवाया था। ये 700 साल पुराना है, इसमें देख सकते हैं इस तरह से रूम्स बने हुए। इस तरह से रूम्स थे, कई रूम्स हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी मदरसे से लगा हुआ आप देखेंगे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ये आप देखेंगे ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये बिल्कुल ये मदरसे से लगा हुआ है, ये मदरसा है और ये अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे मकबरा है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे इधर आप देखेंगे ये कुतुब मीनार आपको दिखेगा, अभी अंदर चलकर दिखा देते हैं फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, इस पे छत नहीं है, ये भी टूट चुका है काफी पुराना हो जाने की वजह से, ये आप देख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं और दूसरे मॉन्यूमेंट्स आपको दिखाता हूँ मैं, हमारे साथ बने रहे। फ्रेंड्स ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स ना, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअली में ये पूरा जो अलग अलग आप देख रहे हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे, कुछ इधर, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कुतुब मीनार के आगे चारों तरफ, तो ये पूरा एक पूरी एक ये मस्जिद हुआ करती थी ये, जिसका नाम कवतुल इस्लाम मस्जिद है। इसका कुतुब मीनार का हिस्ट्री इस तरह से है फ्रेंड्स, जब मोहम्मद गौरी ने 17वीं वार में जब इस पे जीत हासिल करी थी इंडिया पे, तो उसने अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान भेजा था रूल करने के लिए, वो खुद तो नहीं आया, बट उसने अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान भेजा था कि तुम जाओ और जाकर हिंदुस्तान पे रूल करो, और वो यहाँ आते ही सबसे पहले उसने यहाँ पे एक मस्जिद बनवाया, जिस मस्जिद का नाम कवैतुल इस्लाम मस्जिद है,
उसने ये बनवाया और उसके बाद उसने 1199 में विक्ट्री टावर बनाने का सोचा। उसने सोचा कि मैं हिंदुस्तान का सबसे पहला मुस्लिम रूलर हूँ, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे लोग हमें उसे हमेशा याद रखें। तो उसने ये विक्ट्री टावर बनाने का सोचा और जिसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। ये उसने जब बनाना स्टार्ट किया इसे 800 साल पहले, तो वो अपने जीते जी सिर्फ एक ही फ्लोर बना पाया। ये आप देखेंगे, ये फर्स्ट फ्लोर, यहाँ तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। फिर इसके ऊपर का जो चार फ्लोर है, ये उसके सन इन लॉ इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया, क्योंकि वही उसका सक्सेसर था, तो उसने इसे कंप्लीट कराया। और फ्रेंड्स, इसका जो ऊपर का दो फ्लोर है, ये 1368 में बिजली गिरने की वजह से ये दो फ्लोर डैमेज हो गया था। तो ये दो फ्लोर जो है, फिर उस टाइम फिरोज शाह तुगलक ने इसे रिपेयर कराया था और इसे इसका कलर चेंज कर दिया था। फ्रेंड्स, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये जो कुतुब मीनार है, इसकी हाइट 73 मीटर्स है और अगर फीट में आप देखेंगे तो 238 मीटर्स है। ये ताजमहल से 5 फीट छोटा है हाइट में। ताजमहल इससे 5 फीट ज़्यादा ऊंचा है। और इस कुतुब मीनार के अंदर टोटल 379 स्टेयर्स हैं, जो स्टेयर्स राउंड शेप में हैं पूरा इसके अंदर। ये अभी बंद है, मैं तो मैं आपको दिखाता कि अब सेफ्टी रीजंस की वजह से जो है इसे बंद कर दिया गया। ये कुतुब मीनार है, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे कनेक्शन गेट लगा हुआ है, ये 1995 में सेफ्टी रीजंस की वजह से बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें कई एक्सीडेंट्स होते थे और लोग इस पर सुसाइड कर लेते थे ऊपर जाकर। इसमें 379 स्टेयर्स हैं, इसके अंदर जो सीढ़ियाँ हैं वो 379 स्टेयर्स हैं, स्टेप्स हैं। और इसको फिर सेफ्टी रीजन से बंद कर दिया गया। इसमें पहले लोहे के गेट थे, जो 3 साल पहले इसको चेंज कर दिया गया, क्योंकि वो लोहे का गेट जो था वो टूट गया था। तो उसमें फिर गवर्नमेंट ने ये लकड़ी का ये गेट लगाया है। आप देख सकते हैं, ये उसमें कुरान शरीफ की आयतें भी लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी डिज़ाइन बने हुए, ये टोटल 5 फ्लोर है इसका, ये आप देख सकते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फर्स्ट फ्लोर बनाया था। उसके बाद जो इसके ऊपर जो चार फ्लोर है, वो उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने इसे बनाया था, तो इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करा था, ये आप देख सकते हैं। मैं भी आपको इसके चारों तरफ का व्यू अभी दूंगा, फ्लोर का व्यू, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, मैं भी आपको इसका फ्लोर का व्यू दूंगा। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये पूरा कुतुब मीनार मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, अभी मैं इसके चारों तरफ आपको घुमा कर दिखाऊंगा कि यहाँ पे कुरान शरीफ के आयत लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये कुरान शरीफ के आयत लिखे हैं। और ये इसका मेन एंट्रेंस है जो अब बंद रहता है। फ्रेंड्स, इस कुतुब मीनार के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहावत मशहूर है, वो ये कि इस कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं रखा गया है, बल्कि ये हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा गया था, क्योंकि जो इल्तुतमिश था वो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बहुत बड़ा मुरीद था। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के इंतकाल के बाद इल्तुतमिश ने ही उनके जनाजे का नमाज पढ़ाया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जो दरगाह है वो भी मैरोली में ही है, कुतुब कॉम्प्लेक्स के कुछ ही दूर पर वो आपको दिखेगा। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये आयरन पिलर है, ये कवतुल इस्लाम मस्जिद के बिल्कुल बीचों बीच है, ये आप देख सकते हैं। ये आयरन पिलर है और इसे लोह स्तंभ भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 7.20 मीटर्स ऊंचा है और ये काफ़ी पुराना ये है, ये पिलर। ये जैसा सुनने में आता कि ये
1600 साल पुराना ये पिलर है और इसे 1000 साल पहले यहाँ पे लगाया गया था। ये जो मेहरौली इलाका है जहाँ पे ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है, ये 1000 साल पहले ये लाल कोट सिटी के नाम से जाना जाता था। ये उस टाइम के जो शासक थे अनंत सिंह तोमर, उन्होंने इसे लगवाया था। ये पिलर बिल्कुल मस्जिद के बीचों बीच लगा हुआ है। ये कवतुल इस्लाम मस्जिद के बिल्कुल बीचों बीच है, उसके आंगन में ये वहीं पे लगाया गया है। और इसकी ये ख़ास बात है कि ये अभी भी ये इसमें रस्ट नहीं लगा, इसमें कोई जंग नहीं लगा। ये आप देख सकते हैं ये 1600 साल पुराना है बट अभी भी बिल्कुल वैसे ही का वैसा है, इसमें कहीं पे भी कोई जंग नहीं है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये अलाई दरवाज़ा है, ये आप देख सकते हैं ये अलाई दरवाज़ा है जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था 1311 में। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल कुतुब मीनार से लगा हुआ है। ये कुतुब मीनार है और उसी से बिल्कुल लगा हुआ है ये अलाई मीनार। ये कवतुल इस्लाम मस्जिद जो थी, ये उसमें इंटर करने का एक ये दूसरी साइड से एक दरवाज़ा हुआ करता था, ये आप देख सकते हैं। जी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये इमाम जामीन का कब्र है जो कवतुल इस्लाम मस्जिद के इमाम थे, ये हमारे पीछे इनका कब्र है, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों को पता ना हो कि कुतुब मीनार में एक और छठा फ्लोर हुआ करता था जो लॉर्ड स्मिथ कपोला के नाम से जाना जाता है, ये वहाँ पे लगाया गया है। ये किसी वजह से जो है ये वहाँ से हटा दिया गया कुतुब मीनार के ऊपर से, अभी सिर्फ 5 फ्लोर तक है वहाँ पे और ये उसका छठा फ्लोर था जो वहाँ से हटा दिया गया। ये स्मिथ कपोला से बोला जाता है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको उसके नज़दीक ले जा करके मैं आपको दिखाऊँगा। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारे सामने, ये मेजर स्मिथ का कपोला है जिसे मेजर स्मिथ की छतरी भी कहते हैं। और ये एक्चुअली में ये कुतुब मीनार का छठा फ्लोर हुआ करता था, ये कुतुब मीनार का छठा फ्लोर हुआ करता था। और ये कुतुब मीनार एक किसी टाइम में ये कुतुब मीनार के पांचवें फ्लोर के ऊपर लगा हुआ था। ये कुतुब मीनार है और ये अभी 5 फ्लोर का है और ये इसका छठा फ्लोर हुआ करता था। ये मेजर स्मिथ ने इसे लगवाया था उस टाइम बनवाकर, बट किसी टेक्निकल रीज़न से ये उस पर आगे जाकर टिक नहीं पा रहा था तो फिर इसे हटाया गया वहाँ से और इसे यहाँ पर लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा एक फ्लोर हुआ करता था। ओके फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और मैंने अभी आपको पूरा कुतुब मीनार और इस कुतुब कॉम्प्लेक्स में जितने भी अदर मॉन्यूमेंट्स थे वो मैंने पूरी कोशिश करी आपको दिखाने का और मैंने आपको दिखाया। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय।